जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के प्राकट्य महोत्सव पर श्री राम कथा आयोजित होगी। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का 724वां प्राकट्य महोत्सव और 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन आगामी 25 जनवरी से 2 फरवरी तक श्री राम मंदिर गुरुधाम में किया जाएगा। महोत्सव के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। ये जानकारी स्वामी डॉ रामकमल दास वेदांती महाराज ने गुरुधाम स्थित श्री राम मंदिर में पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बातचीत में दी। स्वामी वेदांती महाराज ने बताया कि 14वीं सदी में अवतरित हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने तत्कालीन जीर्ण शीर्ण हो रहे हिंदू धर्म और बिखरते व टूटते आर्यावर्त भारत को संभालने के लिए अविस्मरणीय कार्य किए थे। महाराज जी, किस तरह का आयोजन होने जा रहा है और क्या है? सबसे पहले संपूर्ण विश्व के महामहोत्सव श्री रामला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जमुआ की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जिन्होंने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म को बचाने का अथक प्रयास किया 14वीं सदी में, जिन्होंने अवतार लेकर के जान लिया था कि जिस प्रकार से भगवान राम ने केवल सगड़ी भिंडी आदि के प्रेम को उतार स्वीकार किया, उसी तरह से जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने रविदास जी को, कबीरदास जी को, मीरा को, तमाम लोगों को इस सत्पथ पर जोड़ करके भक्ति की जो रसधारा बहाई, आज उसी का परिणाम है कि उनके परमाराध्य भगवान श्री राम जी का भव्यतम प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो उनका जो 724वां महामहोत्सव है, प्राकट्य महोत्सव, वो इस राम मंदिर काश्मीर का राम मंदिर में बड़े दिव्य धाम धूमधाम से मनाया जाएगा 9 दिन तक के लिए, जिसमें विद्वत सम्मेलन, कवि सम्मेलन और संस्कृत छात्रों की विभिन्न प्रतियोगिताएं और काशी की उभरती हुई बाल प्रतिभाओं के सम्मान और विद्वत सम्मेलन, कवि सम्मेलन आदि का भी समायोजन रखा गया है। इसमें प्रतिदिन 9 दिन तक कथा चलेगी और जो 25 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक होगी, जिसका समय होगा दोपहर 3 बजे से और सायं 7 बजे तक। इसमें सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और जिस दिन आचार्य जी की जयंती उस दिन कथा नहीं होगी, उस दिन 80 घाट से काशी के समस्त महामंडलेश्वर और वृंदावन और हरिद्वार और महाप से आए हुए संत महामंडलेश्वरों के साथ में एक बहुत दिव्यतम भव्यतम शोभा यात्रा निकलेगी, जो 80 घाट से प्रातः 9 बजे शुरू होगी और रविदास दरवाजा होते हुए, उधर से लंका से होते हुए और अपने खुजवा से होते हुए राम मंदिर के लिए आएगी। तो आप सभी से सादर आग्रह है कि उसमें जरूर पधारे और संत सम्मेलन में दिए गए संतों के उद्बोधन से हमारे संपूर्ण मानवता की रक्षा कैसे होगी, उसका संदेश जरूर लें। आप सभी लोग सादर आमंत्रित।